हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के तहत राज्यसभा यानी बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दृष्टि से ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक या दो सवाल रहेगा ही रहेगा। आप इसको लिटरली देख लीजिएगा, इसमें मैं सभी चीज़ों को शामिल करने का प्रयास किया हूँ और टॉप 21 प्रश्न को मैं यहाँ शामिल किया हूँ जो परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल यह है, संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, यानी संसद के उच्च सदन का नाम राज्यसभा है। और दूसरे नंबर का प्रश्न, राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो ये आपका 250 होती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष लोकसभा से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया था, लेकिन राज्यसभा से 21 प्रश्न को मैं शामिल कर रहा हूं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तीसरा है, राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल में है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया जाता है। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो राइट आंसर होगा 245, यानी 245, जिसमें कि 233 निर्वाचित होता है और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। उसके बाद राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। कहने का मतलब है कि राज्यसभा में जो सदस्य चुना जाता है वो MLAs के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद देखिएगा राज्यसभा के लिए निर्वाचन किस पद्धति के अनुसार होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा कैसा सदन है, यानी 7 नंबर, राज्यसभा कैसा सदन है भाई? तो ये अस्थाई सदन है, इसलिए कि जिस तरह से आर्टिकल 85 के आधार पर लोकसभा का विघटन हो जाता था, तो राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, ये इसलिए इसे अस्थाई सदन माना गया है। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर का सवाल, राज्यसभा के यथासंभव निकटतम एवं 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल, 9 नंबर कह रहा है क्या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी राज्यसभा का सदस्य कौन बन सकता है जो ऑलरेडी 30 वर्ष कंप्लीट कर लिया होता है। उसके बाद राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो एक्स ऑफिसियो इसका प्रेसिडेंट होगा ही, सभापति होगा ही। उसके बाद देखिएगा राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? तो राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति चुनती है, यानी कि जितनी भी राज्यसभा के सदस्य होंगे उन सदस्यों में से एक सदस्य को उन्हीं सदस्यों द्वारा उपसभापति चुन लिया जाता है। ये आप अति महत्वपूर्ण प्रश्न समझिए, यहाँ से प्रश्न रहता है। उसके बाद उपसभापति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सभापति को, यानी के उपराष्ट्रपति को। उसके बाद राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किसके अनुपात में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। राज्यसभा में सदस्यों का जो यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो किसके अनुपात में दिया जाता है दोस्तों? तो जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर का सवाल, ये थोड़ा सा लंबा है, देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है? कहने का मतलब, आपका नाम वोटर लिस्ट में पूरे इंडिया में कहीं भी हो, आप राज्यसभा का सदस्य कहीं से भी लड़ सकते हैं। ये वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के बाद इम्प्लीमेंट हुआ है। कहने का मतलब है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 था, उसी में संशोधन किया गया 2003 में, तब से यह व्यवस्था है कि यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आप महाराष्ट्र से भी राज्यसभा का सदस्य
जो है चुने जा सकते हैं, या महाराष्ट्र के हैं तो बिहार से चुने जा सकते हैं, ये छूट दी गई है इस नियम के तहत। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार किसे है, तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा को। ये क्वेश्चन बहुत बार छपा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार किसको है, तो राज्यसभा को है। उसके बाद देखिएगा किस आर्टिकल किस अनुच्छेद के आधार पर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा करता है, तो इसका राइट आंसर होगा 312, यानी आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को है, ये याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर का सवाल, भारत के संघ राज्य में कौन कौन से संघ राज्य से राज्यसभा में प्रतिनिधि शामिल होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मात्र 3 राज्य हैं, दिल्ली, ये संघ शासित प्रदेश है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में सीटों का आवंटन है, इसका राइट आंसर होगा 4th अनुसूची में। 20 नंबर का सवाल देखिएगा, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था, तो राइट आंसर होगा 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। और आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, अंतिम सवाल है राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 मई 1952। तो दोस्तों इस प्रकार जो है राज्यसभा से संबंधित मैं आपके समक्ष कुल 21 प्रश्न को प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से यह प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, और आप ये देख पा रहे हैं हमारा YouTube चैनल ये है रेडियंट कंपटीशन क्लासेस, और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वो भी रेडियंट कंपटीशन क्लासेस के नाम से है, वहां जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, और PDF प्राप्त करके आप इसे प्रिंट करके भी रख सकते हैं, बार बार देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आप बस प्रिंट आउट आप देख लीजिएगा एट ए ग्लांस और परीक्षा में शामिल होइएगा। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आएगा, अगर देख लीजिएगा कि अगर नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके द्वारा दिए गए प्रश्न नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्तों, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। हाँ, यदि आप लाइव हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच हमारे लाइव शो से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप लोग प्रतिदिन कम से कम समय में यानी कि 10 से 15 मिनट का वीडियो बताता है, और उसमें 50 से 100 प्रश्न आप प्रतिदिन ये सामान्य अध्ययन के कर सकते हैं, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाती है तब तक लगातार ये मेरा लाइव शो चलता रहेगा, तो अपलोडेड वीडियो भी और लाइव शो भी आप लोग देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके। धन्यवाद।